यहाँ आ जाइए। हाँ, कैसे हैं आप? बहुत आला। आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आ जाइए। ये साइड। यस यस यस। तो क्या चल रहा है? बस आप बताएं, कैसी रही आपकी जर्नी? बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिल रही है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे लगता है मैं बिग बॉस यूनिवर्सिटी में थी। जो बिग बॉस थे वो प्रिंसिपल थे, अनिल सर थे वो प्रोफेसर थे और हम स्टूडेंट्स थे, और बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन सीख कर आए थे। बहुत खूबसूरत जर्नी। किससे रही सबसे ज़्यादा नोकझोंक? किस तरीके का नोकझोंक सबसे ज़्यादा किसके साथ हुई आपकी नोकझोंक? सबके साथ थोड़ा थोड़ा सा हुआ, बट सबसे ज़्यादा सबको पता है सबके फेवरेट अरमान मलिक जी। ओके, हाँ, थोड़ा विजुअल लेते हैं फिर बाइट करते हैं। लोग क्या पढ़े? लोग कर रहे आपको? हाँ, आई नो राइट। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी रिहर्सल के लिए जा रही हूँ मैं। ग्रैंड फिनाले ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना? यहाँ का मत करो भाई यार। अरे चलो चलो चलो, अरे लगाओ जल्दी, लगाओ। कैसी हो? सो गुड टू सी यू। लाइकवाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना प्यार मिलने के बाद, बाहर निकलने के बाद भी कम ही होता है, तो कैसा फील हो? बहुत लाइक सीरियसली कह रही हूँ, इतना खूबसूरत महसूस हो रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बिकॉज आई डिडंट नो कि यू नो मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी लोगों से, और बहुत खूबसूरत फीलिंग है। आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई स्वेयर। कुछ दिन हो गए आपको बिग बॉस के घर से बाहर निकले, कैसा लग रहा है अभी? मतलब क्या कुछ चेंज हुआ है बिग बॉस से आने के बाद? चेंज ये हुआ है कि पहले जब मुझे लोग देखते थे तो कहते थे सना सुल्तान, अब रास्ते पर भी चलती हूँ तो लोग कहते आला आला गर्ल। मैं कहती हूँ हाँ आला गर्ल, नाम से ज़्यादा आला गर्ल से अभी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी हुई। किसको सपोर्ट करेंगे आप, किसको देखते हुए? मैं बोलूँगी बॉम्बे 70 को वोट करो, आप सबको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। नेज़ी दब्बा। वैसे साई को भी बहुत सपोर्ट है, दुआएं उनके लिए भी। सो लेट्स होप मे द बेस्ट पर्सन विन, एंड में इतना ही बोलूँगी। मैं नेज़ी का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें वो जब मीडिया वाले घर के अंदर गए थे तो किस तरीके से वो मीडिया वाले से बात किया था, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या वो ऐसे ही है, इतने मतलब एग्रेसिव है, या फिर उसी टाइम उनका ऐसा कुछ? नेज़ी के हवाले से देखो, मैंने नेज़ी के साथ बकायदा एक महीना गुजारा है उस घर में। नेज़ी बहुत ही दिल का सच्चा और अच्छा इंसान है, लेकिन कई मरतबे ना वो काम है, लेकिन जब वो फूटता है तब वो ऐसे फूटता है कि लोगों को लगता है कितना अग्रेसिव है। वो बहुत रियल पर्सन है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको जो क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्टली पूछा गया था, तो वो चीज़ उनको हर्ट हुई, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने एक बहुत बिना मुँह पर फिल्टर लगाए बहुत ओपनली बोल दिया कि भाई ये क्या पूछ रहा है, फ्री मत हो। मैंने देखा, बट दैट इज़ रियल नेज़ी, आई थिंक ही इज़ लाइक दैट। इवन अरमान मलिक को भी काफ़ी अभी अब और ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं, और अरमान मलिक का कहना है कि बॉलीवुड में कई लोग 3 शादियां की है, वो लोगों को कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मेरे ही अगेंस्ट लोग क्यों बोल रहे हैं, उनका ऐसा स्टेटमेंट आया। तो मैं उनको एक रिटर्न स्टेटमेंट देना चाहूँगी, एक बता दो बॉलीवुड में, आप 3 शादी की बात कर रहे हो, मैं आपको ओपन चैलेंज देती हूँ, आप एक इंसान बताओ जो 2 बीवियाँ लेके घूम रहे हैं बॉलीवुड में। डिवोर्स हुआ है फिर उनकी शादी हुई है वो अलग चीज़ है, 2 बीवियाँ साइमल्टेनियसली कौन लेके घूम रहा है? कोई और बॉलीवुड देख रहे हैं मेरे ख्याल से। तो मुझे भी अरमान जी को पूछना है कौन सा बॉलीवुड अरमान जी। इवन जो सबके चाहते थे विशाल पांडे, उनका एविक्शन हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड था और लोगों का कहना कि अनफेयर था, तो आपका इसमें क्या स्टेट? विशाल के हवाले से मैंने भी ये तवक्कु की थी कि वो थोड़ा सा और आगे जाएंगे, या मैं उनको टॉप 3 में टॉप 5 में भी मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट आई डोंट नो, ये मेकर्स का टेक है, बट विशाल में पोटेंशियल शुरू से था, ही हैज़ बीन अ ब्राइट बॉय, और आई जेन्युइनली विश कि मैं उनको थोड़ा सा और आगे जाते देख पाती। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी, चाहे विशाल हूँ मैं हूँ, बिग बॉस में जर्नी ख़त्म नहीं होती, एक्चुअली यहाँ से हमारी जर्नी का आगाज़ होगा कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद कौन क्या
क्या काम कर रहा है, कौन कहाँ पर जा रहा है, तो ये तो बस एक आगाज़ है, यू नो। सो यहाँ पर हमारी जर्नी ख़त्म नहीं होती। तो आज मैंने विशाल से भी यही बात की, मैंने विशाल को यही बोला कि विशाल यहाँ पर जर्नी ख़त्म नहीं होती। उन्होंने कहा बेशक सना, एंड कई मरतबे लोग खिताब जीत के भी ज़िंदगी में इतना आगे नहीं बढ़ पाते, कई मरतबे खिताब ना जीत कर भी थोड़ा सा आगे आकर भी वो लाइफ में बहुत आगे चले जाते हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बिग बॉस में विनर बनो, आप लाइफ में विनर बनो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंड शिवानी भी घर के बाहर आ गई है, उसके बाद आपका कोई मुलाकात हुआ उनसे या फिर बातचीत हुई? शिवानी से इंस्टाग्राम पे डीएम पे बात हुई, तो शिवानी का मुझे मैसेज आया आला, मैंने डीएम एक्सेप्ट किया और मैंने बोला शिवानी। तो हमारे बीच में जाने के टाइम थोड़ी सी टकरार थी अगर आप लोगों ने देखा, तो वो जैसे उनका आला आया मैं सब भूल गई, एंड मैंने कहा शिवानी आई मिस्ड यू। जैसे आया एक अच्छी टीआरपी बढ़ाने के लिए मुझे बुलाया गया, और जैसे फैजल और अंजिश को बुलाया गया, जैसे लोग पसंद किए वैसे मुझे निकाल दिया गया, उस पर आप क्या बोलना चाहोगे, कितनी सच्चाई है? आई थिंक उनकी नाराज़गी थोड़ी सी जायज़ है। इसकी वजह ये है कि मैं अदनान को बहुत अरसे से जानती हूँ, 5-6 साल से। वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते थे, इतना कम रुकना तो मैं खुद बोलती हूँ वो डिज़र्व नहीं करते थे, बट शायद लक ने इस दफ़े इनको सपोर्ट नहीं किया। बट अगेन उनके लिए भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि वो बहुत ब्राइट है, उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो यहाँ पे ज़िंदगी नहीं रुकती। और जल्दी एविक्ट हो गए, मैं मानती हूँ ही डिज़र्व्ड और आगे जाने के लिए, बट मुझे लगता है उनको थोड़ा सा कम मौका दिया गया ना, थोड़ा सा और अगर वो रुकते तो शायद वो और अच्छा खेलते। मेरा भी जो गेम है वो सेकेंड थर्ड वीक में थोड़ा सा अप हुआ था, फर्स्ट तो मैं भी काफ़ी स्लो थी, तो कोई मसले मसाइल नहीं है। आई थिंक ये तो बस शुरुआत है। इवन फिनाले आ रहा है, तो क्या आपको फिर से हम फिनाले में देख सकते हैं एज अ परफॉर्मर या फिर? इंशाल्लाह, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, वो आप लोग खुद देखिएगा। ओके, लास्ट क्या कुछ अपकमिंग बिग बॉस के घर के पास देखने को मिलेगा आपकी तरफ से? बहुत कुछ इंशाल्लाह, बस आप लोग दुआ करें। अब 2 म्यूज़िक वीडियो तो मैं शूट करके आई हूँ, और एक और आला दर्जे का सरप्राइज़ है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, और मैं भी उस चीज़ की मुंतज़िर हूँ कि मैं कब आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। यस, कि प्लीज़ जैसे आप मोहब्बत देते आए हो आगे भी दीजिएगा। और एक चीज़ मैंने देखी है कि कई मरतबे ये लोग कहते हैं यार ओवर एक्टर है, कितनी ओवर एक्टिंग करती है। पता है क्या, जो मेरे आसपास है आप यकीन माने, आप उनसे जान ले कि सना सुल्तान हमेशा से ऐसे ही रही है। अगर मैं ऐसे बात करूँगी ना, अच्छा और हाँ ये ओवर एक्टिंग होगी, क्योंकि रियल सना सुल्तान है ही नहीं, सबकी शख्सियत थोड़ी अलग होती है ना, तो मैं थोड़ी सी ओवर द टॉप हूँ, मैं खुद मानती हूँ, तो ये मसला है। थैंक यू, शुक्रिया।